कृषि कानूनों को लेकर बिजनौर में आज किसानों की महापंचायत होने जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। आईटीआई के जिस मैदान में किसानों की महापंचायत होनी है, उसमें जिला प्रशासन ने 4 कंपनी पीएससी, 4 अपर पुलिस अधीक्षक, 8 डीएसपी, 22 थाना प्रभारी और 600 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई है। पुलिस ड्रोन कैमरों के जरिए भी पूरी महापंचायत पर नजर रखेगी। यहाँ पर व्यवस्था इतनी चाक चौबंद की गई है कि इस महापंचायत को लेकर आईजी भी आज बिजनौर पहुंच रहे हैं। प्रशासन इस महापंचायत में किसी भी तरह की कोई चूक होने नहीं देना चाहता। उधर किसान महापंचायत के लिए मैदान में आने शुरू हो गए हैं। आप एक घंटी मार देना हमको, जी। तो हम लोग मिलके और ले दे लेंगे, ठीक है? ठीक। अब तो ये है बस, वो पानी के टैंक वगैरह वो व्यवस्था। तो सरकार 3 काले कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य की डिमांड को लेकर जो दिल्ली में हमारा आंदोलन चल रहा है, और दिल्ली में जिस तरह से सरकार ने अपनी हिटलर साइड दिखाने का काम किया, किसानों का पानी और बिजली बंद करने का काम वहाँ किया, और जबरन कुछ भाजपा के 2 विधायक थे उनके साथ कुछ गुंडे लोग थे, उन्होंने वहाँ मारपीट किसानों के साथ की, उसके विरोध में यहाँ किसान सम्मान बचाओ रैली है। उसमें चौधरी नरेश टिकैत जी और संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी पंजाब और हरियाणा के लोग उसमें शामिल होंगे। कोई राजनीतिक व्यक्ति हमारे उसमें शामिल नहीं होगा। पूरी तरह से बैन है, राजनीतिक मंच नहीं है बिल्कुल भी, और पूरी तैयारियां हैं और पूरी वॉलंटियर्स की और उसकी सूची यहाँ बना दी गई है। जिले का प्रशासन भी लगातार हमें सहयोग यहाँ कर रहा है, और जिले के प्रशासन ने भी पूरी तरह से व्यवस्थाएँ बनवाने की बात कही है, तो जो व्यवस्थाओं में सहयोग देंगे उनका भी धन्यवाद। और जनपद के किसानों से हमारी अपील ये है कि अधिक से अधिक संख्या में निकल कर आईटीआई के मैदान में पहुंचे। ये किसानों के सम्मान की लड़ाई है। अगर ये आंदोलन खत्म होता है तो अगले 20 साल तक भी किसान अपनी आवाज़ उठा नहीं पाने का, जिस तरह से सरकार ने 70-71 दिन हो गए और किसानों की बात कुछ तरह तरह के षड्यंत्र रचकर तोड़ने का काम किया है, और ये आंदोलन पूरी तरह से अराजनीतिक है। किसानों का आंदोलन, किसानों ने सारी सरकारें देखी, हर सरकारों में संघर्ष और आंदोलन किए हैं, और हमारा किसी सरकार से भी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई गुंडागर्दी के खिलाफ है। अगर जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कहना हमारा कि हमारी लड़ाई सरकार से है, और सरकार षड्यंत्र रचकर किसानों को बदनाम करने का काम ना करे। अगर सरकार इस तरह से बदनाम करने का काम करेगी और अपने गुंडे भेजकर हमारे बीच में, किसानों के बीच में बदतमीजी करवाने का उसका काम करेगी, तो किसान इतना मजबूत है कि इन राजनीतिक दल के आदमियों को, भाजपा के आदमियों को गांव के अंदर नहीं घुसने देने के। इतनी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद? संख्या का हमें नहीं पता भाई, कितने लोग आएंगे कितने नहीं। हमने कॉल की है, कॉल भी शॉर्ट टाइम की है, कल कॉल की है 1 तारीख की पंचायत के लिए। किसान कितना आएगा कितना नहीं आएगा हमें नहीं पता। हम आंदोलनकारी हैं, लड़ाई किसानों की है, सबको आना चाहिए, हर किसान को अपने घर से निकल कर। हमें कोई पता नहीं कितने किसान आएंगे कितने नहीं आने के। हम किसी को विशेष निमंत्रण देकर नहीं बुलाया। हमने सबसे ये कहा कि जो भी कोई आना चाहे यहाँ इस मीटिंग में सबका स्वागत है, लेकिन किसान बन का है, कोई राजनीतिक दल का झंडा लेकर या राजनीतिक बात कर। क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं, और मुख्य रूप से हमारे जनपद के लोग जैसा संज्ञान में आया है कि आएंगे, और उनके रास्ते में कोई ट्रैफिक जाम ना होने पाए, कोई ऐसी अव्यवस्था ना हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया जा रहा है। सर, इस तरह के कुछ पोस्टर लगे हैं कि बीजेपी वाले यहाँ ना आए, अगर वो आए कोई भी बात उनके साथ होती तो खुद जिम्मेदार होंगे, ये क्या मामला है इसमें? ये अपना उन लोगों का जिन्होंने पंचायत बुलाई है वो जाने, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी। सुमन जी, ये आपके गांव में बोर्ड लगा है, बीजेपी नेताओं का आना सख्त मना है, इस ये बोर्ड क्यों लगाया गया है इसके बारे में बताओ। ये सरकार के खिलाफ है, इधर देखो कानून जो है किसानों के खिलाफ है, वे इस वजह से ये बोर्ड लगाया गया है, ये 3 कानून वापस लिए जाएं। बीजेपी नेताओं से क्या नाराजगी है? बीजेपी नेताओं से नाराजगी हुई, हमारे किसान भाई वहाँ पड़े हैं, सब पे बैठे हैं वहाँ धरने पे, उनके साथ बदतमीजी हो रही, बस लुकी हो रही है। मेरा नाम अमित चौधरी। अमित जी, आपके गांव में बोर्ड लगा है, ये बीजेपी वालों का आना मना है, इसके बारे में बताइए क्या क्यों लगाया गया? बीजेपी वालों का करने इसलिए मना है कि गाजीपुर बॉर्डर पर लोनी विधायक गुज्जर ने अपने चंद गुंडे ले जाकर वहाँ किसानों के साथ जो मारपीट करी, और राकेश टिकैत जी के जो आंसू निकले उन आंसुओं को देख कर यहाँ जन सैलाब फूट पड़ा, क्योंकि हम भी बाजान खाप से बिजनौर जिले में केवल 2 ही गाँव, गढ़ी और भोगी, तो हमारे बच्चों का और हमारा खून खोला, इसलिए हमने बीजेपी के सब नेताओं का बहिष्कार कर दिया। अगर हमारे गांव में कोई भी बीजेपी का सांसद, विधायक या कोई भी नेता आएगा, वो अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर, ताकि यो ना कहे कि मेरी साथ कर दिया, क्यों इनका प्रोपेगंडा है, ये अपने ऊपर अपना आप ही हमले कराते हैं और फिर नाम ये किसानों का लगाते हैं, जबकि ये किसानों के साथ पूरे षड्यंत्र के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर इन्होंने बहुत बुरा हाल करा है।